नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न 3 हम करने जा रहे हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखिए, आपको दो चतुर्भुज दिए हैं, पहला है PQRS और दूसरा है ABCD। हमें बताना है कि ये दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप हैं या नहीं है। तो बच्चों देखिए, हम जानते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी भुजाओं को। देखिए, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, 3, 3, 3 और 3। हम ये भी जानते हैं कि 1.5 का दुगना होता है 3 सेंटीमीटर। तो 1.5 3 सेंटीमीटर, 1.5 3 सेंटीमीटर, 1.5 3 सेंटीमीटर, 1.5 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब सभी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। इनका जो अनुपात है वह इस अनुपात के बराबर और इस अनुपात के बराबर और इस अनुपात के बराबर ही है। ठीक है बच्चों, यानी कि PQ बटा AB है 1.5 बटा 3, QR बटा BC भी है 1.5 बटा 3, SR बटा CD भी है 1.5 बटा 3 और PS बटा AD, ये सभी ही 1.5 बटा 3 के बराबर हैं। इसका मतलब इन दोनों चतुर्भुजों की सभी भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु दी गई जानकारी के अनुसार ABCD के सभी कोण हैं 90 डिग्री के बराबर, परंतु PQRS में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, यानी इसके कोण दिखाई भी दे रहा है कि 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे सभी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु सभी संगत कोण बराबर नहीं है। और हमने पढ़ा था कि यदि दो चतुर्भुजों को समरूप होना है तो उनकी सभी संगत भुजाएं बराबर समानुपाती होनी चाहिए और उनके सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए, परंतु इस प्रश्न में ये दोनों चतुर्भुजों के सभी संगत कोण बराबर नहीं है, अर्थात दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।